देशरे बदलिब अपराध आईन सरल हेब नियम मिलिब त्वरित न्याय आईपीसी सीआरपीसी एवं आईए स्थान में आसिब नुआ आईन तेबे एही नुआ आईन रे कोन रहिछि दंड विधान नुआ आईन देश को केते सशक्त करिब अपराध रोकिबारे केते सहायक हेब एही नुआ आईन पूर्व आईन अपेक्षा नुआ आईन रे कोन फरक अछि एनेइ हमर आलोचना करिबा बदलिब आईन कोन रहिब प्रभाव नुआ आईन को लेकिन अनेक चर्चा होती देखते हटव ब्रिटिश अमल तीन गुरुत्वपूर्ण आईन व्यवस्था बदलिब आईपीसी सीआरपीसी एवं आईए लोकसभा आगत होती गुरुत्वपूर्ण बिल तेज यही देखा कि तीन बिल और संशोधित बिल आगत कर केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह आईपीसी हटा पर स्थान में आसब भारतीय न्याय संहिता 2023 सीआरपीसी बदल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सहित आईए स्थान में आसब भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल उभय गृह में पारित हो समस्त तीन पुराना आईन में पूर्णच्छेद पड़ तेज नुआ आईन अणाजीव अमित शाह कहते बिल आगत बेले शाह दंड देवा नुहे समस्त को न्याय देवा आईन मुख्य उद्देश्य 1860-2023 पर्यंत देश में अपराधिक न्याय प्रणाली ब्रिटिश द्वारा प्रस्तुत होता आईन अनुसार कार्य कर किंतु एबे देशरे अपराधिक न्याय प्रणाली रे बड़ परिवर्तन आसिबो जहाँफल नागरिकों अधिकार को सुरक्षा मिलिबो बोली अमित शाह कहते जितेबड़े नुआ आईन को लेकिन चर्चा होपण को देखा चाहबू कि जानवा प्रथम कि कौन सब बदलिब समस्त भितर जो उत्साह रही नुआ आईन कथ आसुची कौन बदलिब एबे आसन जानवा कौन सब बदलिब तेज उच्छेद हे इंडियन पेनाल कोड 1860 आईपीसी स्थान में आसिब भारतीय न्याय संहिता सेपरी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर स्थान में आसिब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेपरी आपण देखंतु इंडियन एविडेंस एक्ट बा आईईए स्थान में आसिब भारतीय साक्ष्य तेज सीआरपीसी स्थान में रही 511 सेक्शन भारतीय न्याय संहिता रहिबो सहित 356 सेक्शन विभिन्न अपराध में जोरीमाना और दंड परिमाण वृद्धि करा भिड़ हिंसा संपृक्त थे सर्वाधिक 7 वर्ष दंड विधान सेपरी लिंगगत निर्विशेष संगठित अपराधर विचार करा देशद्रोह अपराध रोकिबा आईन परिभाषा बदलिब देशद्रोह अपराध रोकिबा आईन रे संशोधन हेबो एवं गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि कि नाबालिका दुष्कर्मकारी को मृत्युदंड दिजिब गण दुष्कर्म मामलें सर्वाधिक 20 वर्ष कि आजीवन जेल प्रथम थर पर दंड भाव में गोष्ठी सेवा को कार्यकारी करा छोटमोट अपराध पर दंड बदल में गोष्ठी सेवा पर निर्देश दिजिब सहित ब्रिटिश अमल आईन उद्देश्य था कि अपराधी को दंडित नुआ आईन उद्देश्य होची भारतीय नागरिक अधिकार सुरक्षा जदि आम नुआ आईन और पुराना आईन भितर कंपेयर करवा पार्थक्य देखा तो यार भितर आम आपको चाहिए पुराना आईन जो थिला उद्देश्य थिला कि अपराधी को किभली भाव में पनिशमेंट देवा दंडित करवा किंतु नुआ आईन मुख्य उद्देश्य होची भारतीय नागरिक अधिकार सुरक्षा दंड नुहे न्याय प्रदान होची नुआ आईन लक्ष्य आगे मैं बताता हूं बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व रहा हूं अध्यक्ष जी मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 तक अंग्रेजों ने बनाए अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये तीन कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा माननीय अध्यक्ष जी मैं बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा मरुतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा इसकी प्रायोरिटी क्या थी मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया इसके पहले क्या था राजद्रोह था इसके पहले क्या था खजाने की लूट थी इसके पहले क्या था शासन के अधिकारी पर हमला था ये जो अप्रोच है ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय करकर हमें कानून
तो बदलिबा आईन कौन प्रकृति में प्रभाव रहिबो याकु ने विस्तृत भाव में आलोचना करिबा आलोचना करिबाको आम सहित मानस महापात्र अछंती वरिष्ठ आईनजीवी आम सहित सुचिस्मिता पृष्टि अछंती सामाजिक कर्मी एवं हरिहर पाणी अछंती अवसरप्राप्त पुलिस अधिकारी आपन समस्तंकु स्वागत करूछि आलोचना को मु निश्चित भाव में श्रीयुक्त मानस महापात्र आपन ठारु आलोचना आरंभ करिबाको चाहिबी एक एमिति गोटे प्रसंग आपन देखंतु जहां साधारण लोकों सहित जड़ित ये एमिति गोटे प्रसंग जहां होछि हमर न्यायिक प्रक्रिया सहित जड़ित ये एमिति एक प्रसंग ये होछि हमर कानून व्यवस्था सहित जड़ित एभली जो देखिबा कि नुआ व्यवस्था आसीबो ब्रिटिश आईन अमलर बदलिबो आपनकु किभली देखंती ओवरऑल आपनकु केमती देखुछंती ये गोटे बड़ा परिवर्तन हेबो कि देखंतु दीर्घ 150 वर्ष पोरे आईन परिवर्तन करिया पय प्रस्ताव आसुची एटा गोटे बहुत बड़ा जिनस जोटा कि बहु आगुर होबार थिला किंतु एठी गोटे टिक्के विडंबना रहुची जे तीनटा आईन को एकाथरे परिवर्तन करा जाउची इंडियन एविडेंस एक्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एवं इंडियन पेनल कोड ए तीनटा जाकु को एकाथरे जितेबेले अमेंडमेंट करा जाउची किबा नुवा आणिबा पई प्रावधान रखा जाउची सेथरे तालमेल खाइबारे टिके असुविधा हेई पारे काहेकि दीर्घ 150 वर्ष धरी जो कोर्ट माने ए पुरुणा आईन को लेके कार्य करथिले हटात तीनटा जाक आईन जितेबेले परिवर्तन करा हेई जिवो सेठी निश्चित भाबरे किछि टिके असुविधा उपजिवो एवं सेथिपाई स्टैंडिंग कमिटी को से पठा जाइछि स्टैंडिंग कमिटी तापरे किछि संशोधन पाई प्रस्ताव दे पारंती एवं तापरे जहाँ हम ता छड़ा भी आपण जदि वक्तव्य शुणिथिबे जे सबु स्टेकहोल्डर मानकु धरंतु बार काउंसिल्स हला आपणकर यूनिवर्सिटीज हला आपणकर विभिन्न बार एसोसिएशन हला जो माने न्याय व्यवस्था रे संश्लिष्ट एवं सेमानकर मतामत नियाजिवो मतामत परे डिबेट हबो स्टैंडिंग कमिटी डिबेट करिवो हला परे जो सारांश बाहरिवो सेटा आईन रे आसिवो एटि तीनटे जिनस तांकर जहां पदक्षेप रहिची जो 160 वर्ष पर जो आईन टा आसुची किपरि न्यायिक व्यवस्था रे त्वरान्वित होइ पारिवो एवं सेकंड जिनस होउची समय कमे दबा के भइबो एवं साइंटिफिक प्रोसेस रे जो प्रोसेस ऑफ ट्रायल टा डिले होतला ताको किपरि साइंटिफिक प्रोसेस रे अप्रोच करा जाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटेलिजेंस एप्लीकेशन देन योर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देन योर अदर सिस्टम दैट इज बीन नाउ डेवलप ए सब गुडा को नेकिरि किपरि आपणकर जेतेबेले इन्वेस्टिगेशन टू आरंभ एफआईआर को आरंभ करी इन्वेस्टिगेशन पर्यंत चार्जशीट सबमिट एवं चार्ज फ्रेम परे ट्रायल पर्यंत एवं जजमेंट पर्यंत ए समय को एते मेकानिकली फ्रेमिंग करा जीवो जे याकु एमिति इक्विप करा जीवो जे लोटे लोक जो कोर्ट को आसुथला चार्ज फ्रेम है कि ट्रायल हला बलो 8 वर्ष 10 वर्ष लागि जाउथ वर्तमान सेइटा हेची बहुत बडो माने माने आशा जे याकु जदि इंट्रोड्यूस करा जाए ताहाले ट्रायल विधि जोटा चली थिला प्रोसेसटा सेटा सर्टेन करा जाई पारिबो एवं जो एविडेंस एक्ट गुडा उरुणा पुरुणा थिला से एविडेंस एक्ट गुडीको भी परिवर्तन दरकार कारण गुडाई प्रोविजन ऑफ द एविडेंस एक्ट जोटा धरंतु इलेक्ट्रोनिकली एवं व्हाट्सएप मेसेज हला आपण ईमेल हला एगुडा को किपर एविडेंस हिसाब रे निया जीवो तार गुटे किछि प्रावधान नथिला जा फळर कि बहुत लोक खसी जाउथिले दंड विधान रे परसेंटेज बहुत कम थिला तनु के आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द एविडेंस एक्ट ए जो जिनस गुडा जदि इनकॉर्पोरेट करा जीवो ताहाले मु भाबुची दंडर जो परिमाण थिला 20% 80% खलास होउथिले से जगह निश्चित भाव दंड विधान परसेंटेज बढ़िबो एवं प्रोसेस ऑफ ट्रायल एवं प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेटा भी साइंटिफिक हबो जा फलरे कि दोषी कि नुवा दंड विधान ये गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि कि तो निश्चित भाबरे आपण कहउछन्ति कि आम या दरे नुवा आइन आसीबा द्वारा केते देश सशक्त होइ परिबो ता सहित नुवा आइन एवं पुरुणा आइन भितरे कोन डिफरेंस बा पार्थक्य रहिछि आगो को आपण थारु निश्चित भाबरे जानिबो सिक्त पाणी आपण बाकु आसीबी जितेबेले ब्रिटिश समळर ए आइन बदलिबो अपराध न्याय प्रणाली रे ई गोटे बड परिवर्तन ई गोटे बड पदक्षेप कहि परिबा कि ई जो बड परिवर्तन रे ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କିଛି ହେଇନି ତାର ଡ୍ରାଫ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଯାଉଛି ତାପରେ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ କି ଯିବ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ସେଇଟା ପୁଣି କରେକ୍ସନ୍ ହେଇକିରି ଆସିବ ତାପରେ ଯାଇ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବ ଯାହା ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେତେ ଆକ୍ଟ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଫେଡେରାଲ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ରେ ରହିଯାଇଛି ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍
आउ विभिन्न अपराध पई विभिन्न आईन मध्ये रहिछि बेयर एक्ट उडा रहिछि किंतु से विषय रे वर्तमान पार्लियामेंट रे डिस्कशन आरंभ हेई नाही केवल पेनल कोड सीआरपीसी आउ एविडेंस एक्ट रो किछिटा परिवर्तन दफा से माने करिवे अच्छा जोटा को अछि प्रेजेंट आईन अछि आपण देखंदु ब्रिटिशर्स माने जेते बेले तयारी कले आईन डिगी से माने किछि बुझु नथिले आमे जेते बेले गोटे ओडिया रे आमे कहिबा काहाकु सळा बोली 294 दफा लागुथला इंडियन पेनल कोड जोटा कि धर्तव्य अपराध थिला एवं सेतरे एफआईआर रजिस्ट्रेशन थाना बाबू करिया पई बाध्य होउथले किंतु जेते बेले ब्रिटिशर्स माने आमुकु बाडौथले सळा वाठ माड़ खाइबाटा गुरुतर अपराध थिला किंतु सेटा 323 दफा को आसुथिला जोटा कि अधर्तव्य अपराध धर्तव्य नथिला सेतरे केस हेइ पारु नथिला जहाँ फल कि मु कहिबी ए जो पार्लियामेंट रे वर्तमान आमर देशर गृह सचिव जो बिल टी आगत करबा को जाउछंती से जो जिनिसटी नुवा पेनल कोड हबो नुवा सीआरपीसी हबो सबोडा जे चेंज हबो किछ नै से पुरना किछ रहिबो किछिटा दफा अमेंडमेंट हबो जहाँ फल कि आमर जोटा मानस सब कहिले जे आमर साक्ष्य विधि आईन रो किछिटा निहायती परिवर्तन दरकार कहीं ना पुलिस एते परिश्रम करिवो चोर धरव डकायत धरव मर्डर धरव ये धरव टेरोरिस्ट धरव सबू कर किंतु देशर आईन ताकू विश्वास करना जहाँफल कि जोटा मानस बाबू कहले 20% कन्विक्शन होगा बेलू 80% लोक खसी जाते आप देखु देशर आईन ए टाइप रही ब्रिटिश अमल आईन एटी गला बाट बेसी रही जहाँफल कि अपराधी मैंने खसवाकू सुजोग पाँच हाँ। आउ द्वितीय जिनस गोटे बड़ जिनस जोटा कि मु कह आउ टे अमेंडमेंट करी जुडिशियरी अफिसर को पनिशमेंट दबार व्यवस्था करूँ कहीं आपण को मुझे आज साइनिंग एग्जांपल दौची मानस बाबू तो बस देखुं तीन दिन तले बणई कोर्टर मो पाक फोन आसला जे आपणकर साक्षी अच्छी दवापाई आपण आसीना आप आसिक साक्षी दिं 2007 ता मैंने 16 वर्ष पर मुझे केस रही अभियोगकारी अभियोगकारी मैंने से केसर प्रथम मुझे साक्षी दवापाई 16 वर्ष पर ये जो विलंबित न्यायिक प्रक्रिया वर्ष वर्ष लगी जाऊँगी जोटी 6 सजा हवा कटा लोके कोर्ट कचेरी दौड़ किंतु न्याय पाई पार ना वर्ष वर्ष लगी जाऊँगी जहाँ को लेकिन मतलब अनेक समय चिंता प्रकट पाँच सुचिस्मिता मैडम जितेबाड़े आप देखु समाजसेवी भाव में आपणा को स्वागत करेंगे ना नहीं जितेबाड़े देशर ब्रिटिश अमल आईन बदल अपराधिक न्याय प्रणाली में गोटे बड़ परिवर्तन हो सरकार बड़ लक्ष्य मुख्य लक्ष्य हूँ कि न्याय सुनिश्चित करवा सजा देवा नुहे ये जो आईन आसवा द्वारा किन हो भाई धन्यवाद स्वागतिका भारत रे डेरी रे न्याय मिले यहाँ मुहूनी यहाँ गोटे साधारण भारतीय आईन उपरे आस्था विश्वास अनेक जगह देखा जाए गोटे गरीब लोकटे माने न्याय पाइबा पुलिस स्टेशन को दौड़ी दौड़ी नयांत हो जाए तापर जिते बेल ट्रायल चले कोर्ट को जाए किंतु प्रकृत कौन से न्याय पाए तो संसद आमर गृहमंत्री जो मौसुमीर शेष दिन में अधिवेशन शेष दिन में जो आईन टी मान आई जोटा आगत कर बिल टी जदि से सतरे आईन मानने प्रणीत हुए ताहले एटा गोटे जुगांतकारी पदक्षेप हम आम कौन सतरे मानने स्वाधीन हो किंतु आमर न्यायिक व्यवस्था स्वाधीन हो नथिला 1860 जो ब्रिटिश आईन चली से आईन एपर्यंत आम से आईन को फॉलो करी चली छु ए जो आईन जो कल आम देखुलु जितेबले आम गृहमंत्री वक्तव्य रखुले विशेषकर मुझे कह महिला एवं पिला मानंक विरोध में जो छोट छोट पिला मानंकर विरोध में जो सब अपराध घटुची से जो आईन टी को सशक्त निश्चित भाव में यह गोटे दृष्टांतमूलक उदाहरण हे कहीं जदि आईन से सशक्त हे से दंड विधान मिले तेल अपराधर संख्या कम अपराधी मान गोटे भय जत हे
जेपरी भाव में अच्छी आमर जदि गोटे आगुर आमर जो मैंने ट्वेल्व आसी आमर पक्सो आक्ट आसी से जदि गोटे नाबालिका को दुष्कर्म कराला कि जौन शोषण कराला पक्सो आक्ट्रे जन को सात रु दस वर्ष पर्यंत दंड विधान व्यवस्था थी ताको जेल दंड मिलूला किंतु जदि वर्तमान ये जो नुआ आईन आसवर ताको मृत्युदंड दिजा उचित आ जो पर्यंत पीड़िता बयान रेकर्ड करा न जाएगी से पर्यंत से केस टी को विड्र करना मुझे गोटे छोट उदाहरण देवी आपण मैंने जानते मुझे कि वर्ष पूर्वर कथा जन विशिष्ट व्यक्ति पॉक्सो एक्ट्रे आरेस्ट होते 164 धारा अनुसार से पीड़िता बयान रेकर्ड कर किछ दिन पर देखा मिलला जे तांकर बापा से केस टी आउ सहयोग कले ना जिते बड़े पीड़िता हेले नाबालिका एवं तांका बापा कथा अनुसार से आसबे कि जिबे तो सहयोग हेलानी तो एमिती गला बाट रे से जो विक्टिम जे माने अपराध करथिले से एमिती गला बाट रे खसी गले आमे किछि दिन पर जानिलु जे सीए बा इज्जत बरी हे गले माने तांको माने से दोषी नुहंती तो एमिती अनेक घटना घटुची किंतु जदि जदि जेमती अमर माननीय गृहमंत्री कहिछंती जे दंड न मिलु न्याय मिलु कहीं अनेक देखिए अनेक निर्दोषी एपर्त जेल रे जेल दंड भोगुंट केवल न्यायिक व्यवस्थार ये अव्यवस्थापी जोटा कि त्वरावित हो गलाटी बंद हवा दरकार सहित जो वर्ष वर्ष धरी आम जो रोचे न्यायिक प्रक्रिया त्वरावित होगा दरकार से तो मानस महापात्र आम मुझे तथ्य देवाक चाहिए दिल्ली जम्मू काश्मीर बिहार पंजाब ओडिशार विचाराधीन कैदी संख्या अधिक तो ये क्षेत्र में जहाँ को लेकिन सब महल चिंता प्रकट पाँच राष्ट्रपति आपको चिंता प्रकट करते कि भाव में खूब शीघ्र न्याय मिल पार से नहीं समस्त प्रयास करवा जरूरी गुरुत्वपूर्ण कथ हो कि जिते आप देखते आईपीसी सीआरपीसी आईए स्थान में नुआ आईन आसब जेत बुझा चाहबू तेज यही नुआ आईन में दंड विधान कौन रही सहित नुआ आईन और पुराण आईन भितर कौन पार्थक्य देखु प्रथम मुझे आईनटा खाली प्रणयन कि परिवर्तन करदे आपणकर सब जिन समाधान होने आपणकर बेसिक जिनस इन्वेस्टिगेशन को आपण को रोबस्ट करार अच्छी आप गोटे पुलिस को तीन टा विभाग व्यवहार करेंगे ल आंड अर्डर कर इन्वेस्टिगेशन कर भिआईपी सिक्यूरीटी दब ये जदि प्रावधान आप न करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सी जे कि प्रोसिक्यूट कर स्पेशलाइज ट्रेनिंग नदेवे एवं ताकु सेग्रीगेट न करिवे ए नुआ आईन को आनी करी किछ लाभ हबनी आपणकर गोटे पुलिस ऑफिसर तार तीन तीन टा ड्यूटी करी करी आपणकर से फाइनल चार्जशीट दे करी काम करी परिवनी किंतु एथिरे आईन रे जो नुआ आईन आनचे तर व्यवस्था करिछंती जे पुलिस ऑफिसर 24 घंटा मध्ये रे एफआईआर रजिस्टर करिवो जदि एफआईआर ताकु अपलोड करा गला ताकु सेंटर रु जो पुलिस स्टेशन को सेटा ट्रांसमिट हवा कथा सेही पुलिस स्टेशन को चली जीवो बिकॉज विथ द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तापरे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कला बेले आपण वीडियो रेकॉर्डिंग करे जोठी कि आपणकर साखी प्रमाण नष्ट होतला वीडियो रेकॉर्डिंग करिवे वीडियो रेकॉर्डिंग कॉपी ताकु पठेइबे देबे एवं सेठी जेतेबेले ट्रायल भी चालिबो वीडियो रेकॉर्डिंग हबो जेतेबेले पीड़ितार स्टेटमेंट रेकॉर्ड करा जीवो वीडियो रेकॉर्डिंग हबो जेतेबेले टीआई पैरेड हबो सेठी वीडियो रेकॉर्डिंग हबो ये सब वीडियो रेकॉर्डिंग हे कि संगृहित करिकरी 90 दिन भीतर से चार्जशीट देबे 90 दिन भीतर जदि चार्जशीट न दे पारंती ताहले कोर्टर परमिशन अनुसार आउ 90 दिन पाइबे टोटल 180 डेज किंतु वर्तमान परिस्थिति रे होतला वर्ष वर्ष धरी चार्जशीट दिया जानो थला काहे कि दिया जानो थला आपण पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ताकु जदि प्रॉपर्ली ट्रेन्ड एवं साइंटिफिक ट्रेनिंग न देबे पुलिस को सेया थिबो एवं ए नुआ आईन आणिबे ताले मु भाबु नै जे एठी प्रणाली रे एवं प्रोसेस रे जहा कहंतु एटा आमे प्रकृत न्याय पाइबा नै पुलिस व्यवस्था को जमीते हेले आपनकु से अनुसार साइंटिफिकली डेवलप करिवार अछि इन्वेस्टिगेशन अलगा एक्सक्लूसिवली स्पेशलाइज हवा दरकार प्रत्येक सब डिविजन प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवलले स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन टीम रहिबे जो माने कि एही आईन को धरी कार्यक्रमे ताहले आपण फल पाइबे आउ खाले आईन तयारी कर देबा परिवर्तन कर देबा एटा करिकिर जदि सिस्टम टाकु डेवलप न करिवे ताहले न्याय व्यवस्था रे आपण कोन जे पाइबे सेटा भी पूर्ण प्रश्न चिन्ह होइ रहिबो
एकदम ठीक कथा कहते सीत पाणी आप एकमत हे ना आम तो नुआ आईन ये शुणा को बहुत भल लगुच किंतु ग्राउंड रे केमी कार्यकारी हेब ताक नहीं गोटे बड़ प्रश्न उठू आमर जो पुलिस व्यवस्था अच्छी आहरी सुदृढ़ करते दूर आवश्यकता रही सहित गोटे मानव संबल आहरी अधिक रू अधिक निजुक्ति से स्वतंत्र भाव ट्रेनिंग देवार आवश्यकता रही आप भावना मानस कथार एकमत कहीं मु तो रिसेंटली रिटायर्ड करी मु भी देखुची रिटायरमेंट करी देखुची काम देखुची अफसर मानसबू जोटा कहले आमे जदि अड़िया भर्ती करिया अड़िया बाहर आमे जदि इन्वेस्टिगेशन ठीक भाव न करिबा तदंत जदि ठीक भाव न करिबा आपण जदि इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस अनुसार आपण वीडियो रिकॉर्डिंग करिवेनि कि साइंटिफिक ये अनुसार आप साइंटिफिक अफिसर जाकर स्पॉट विजिट करिवनी आपणकर मानव संबल नथिबो जो लॉ एंड ऑर्डर आउ वीआईपी सिक्युरिटी इन्वेस्टिगेशन तीन टा अलग विंग न होबो ताले तदंत तो ठीक भाव रे हे परिवनी तदंत जतले ठीक भाव रे हे परिवनी ट्रायल केमती ठीक भाव रे होबो जेते बेले तदंतकारी अफिसर ठीक भाव रे तदंत करी तार तदंतर रिपोर्ट जहाँकि फाइनाल फॉर्म जहाँ को आम कौच चार्जसीट हो पाए कि फाइनाल रिपोर्ट हो पाए मजिस्ट्रेट उपाय गला मजिस्ट्रेट ताकू देखिकी कग्निजांस ने किंतु ये मुझे गोटे जिनस कह जुडिशियरी रिफर्म निहाती दरकार कहीं ब्रह्मा बिली बिले बेदे आपण ये तीस्ता शीतल वार्डर देखी माने हाइकोर्ट देदेला ए डायरेक्शन देला इमिडियेट सरेन्डर कर पुलिस पाखे किंतु से पलैला सुप्रीम कोर्ट रे दी जणिया खंडपीठ ताकू रिजेक्ट करले दी जण मत एकाडी हलानी तापर पुणी आउरी गोटे खंडपीठ बसला ताकू बिल दे देले जदि एटी हाईकोर्ट भूल करी ताले जदि हाईकोर्ट जे रिजेक्ट करी ता अगेंस्ट जदि एक्शन होता ताले ए देश ठीक भाव में चलो ये लोक ठीक भाव में न्याय पाइबे जेपर्यंत जुडिशियरी आ पुलिस रे रिफॉर्मेशन न होई विटनेस को सुरक्षा कथा मत आसू कि खबर तो निश्चित भाव से गुरुत्वपूर्ण खबर को जीवा चाहिए जितेबाला देखिए कि वीर माटी आज झुरुच वीर सतान को शोकाकूल परेश सृष्टि केन्दूर शोकाकूल परेश समस्त आखिरे लुह और कहीं भी विश्वास कर पारना जितेबाला वीर जवान अमर ध्वनि में पूरा प्रकम्पित होवेश आईन कौन रभाव जहाँ को लेकिन आलोचना करुचे नुआ आईन तो आसो कि ग्राउंड में कमिटी कार्यकारी हे कौन कौन कर आवश्यकता रही सुचिस्मिता मैडम जमी आम देखिए कि नुआ आईन जिते आस तो मुख्यतः तो देखिए कि केमिति ग्राउंड रे कार्यकारी हेबो समाजसेवी भाव आपण केमिति देखुचंती एवं पुलिस रो गोटे बड़ भूमिका रही कहीं अपराधी को जितेबाला पुलिस गिरफ करुची तापर देखिए कि जदि कोर्ट रे हाजर करुची किंतु यार भितरे केमिति ग्राउंड रे कार्यकारी हेबो बोली आपण भावुचंती देखंतु ग्राउंड रे निश्चित कार्यकारी हेबो सेति पाइन तो आईन को संशोधन करा जाउची आपण देखिए किछि दिन पूर्वरु अमर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिथिले जे अनेक निर्दोषी जेल रे अछंती एवं सेमानकर जो ट्रायल चलचे से ठीक समर हो पार से दुख प्रकाश करते तो आपण गोटे उन्नी मानने आमर 1920 जो गोटे परिसंख्यन ने आम देशर विभिन्न हाइकोर्टे 20% केस बढ़ी जाइए और आमर जज मानकर संख्या बहुत कम आमर अनेक चाप रोच जदि आम न्यायिक व्यवस्था किसी संशोधन आनवानी से 1860 मसीह जो आईन प्रचलित अच्छी से अनुसार चलवा ताहले निश्चित भाव में एमती अनेक निर्दोषी जेल दंड भोगुवे आप देखिए मुझे जो कहली आगुरी गोटे पक्सो आर्टे जदि किए आरेस्ट होते 9-10 पर्यंत जेल दंड था कि मृत्युदंड परिणत करवा उचित सेमती जदि गणदुष्कर्म जन जदि पीड़िता मानने अपराध होते बड़े 20 पर्यंत जेल दंड दिजाव निहाती जिया दबा दरकार कहीं देखु जेते बेले गोटे महिला गणदुष्कर्म शिकार होची सेते बेले समस्ते मैडम समाजसेवी भाव में आम आपको अनेक थर आलोचना स्टूडियो जितेबाला दुष्कर्मकारी मृत्युदंड दि जाऊँ जितेबाला ये जो नुआ आईन दुष्कर्मकारी मृत्युदंड दि जाव गणदुष्कर्म मामलें सर्वाधिक 20 कि आजीवन जेल तो प्रथम थर भाव में सहित गोष्ठीगत सेवा को कार्यकारी कर ये गोटे भल पदक्षेप आम कहीपर कि निश्चित भाव में गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप मुझे कहबी ये बहुत आगु हबार कहूली जे देखते
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ନେଇକି ସେ ବଞ୍ଚୁଛି ଜୀବନ ସାରା ଯେ ସିଏ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଗଲା, ଯେମିତି ତା ସେ ଗୋଟେ ପାପ କରିଦେଲା। ପାପ କରିଛି କିଏ? ପାପ କରିଛି ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିବେନି, ମାନେ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଆମର ବହୁତ ଗଳାବାଟ ଥିଲା, ସେଇ ଭିତରୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ଅଛି, ବିତ୍ତଶୀଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିକି ବାହାରି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ସେଇ ମହିଳାଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଇଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାପୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧର ଶିକାର ହୋଇଗଲା। ତାର ଜୀବନ ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ସେ ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜରେ ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମହିଳା ମାନେ ତାର ଦୋଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ସିଏ ଦୋଷୀ ହୋଇଗଲା। ତ ଏସବୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଥିଲା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ରଖାଯିବ, ମାନେ ସେଇଟାକୁ କ୍ଲୋଜଲି ରଖାଯିବ, କେହି ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେନି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାର୍ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ମାନସ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବ, ତ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଭିଡେନ୍ସଟା ରହିବ, ଏଭିଡେନ୍ସ ରହିଲେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲଞ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ସେଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାର ଯେଉଁ ମାନେ ସୀମା ବିବାଦ ନେଇକି ବହୁତ କେସ୍ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟର ହେବ ନା ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟର ହେବ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନେ ନାଗରିକ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାଏ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଡରିଯାଏ। ଅନେକ ଦେଖିବେ ଅପରାଧ ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅପରାଧଟା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଡରିକି ଯାଆନ୍ତିନି ଯେ ଏଇ ଭିତରେ କିଏ ପଶିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଡରିକି ସେମାନେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆମର ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଯେତିକି ସରଳ ହେବ, ସେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡର ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ଯାହା ନୂଆ ଆଇନ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତା ଭିଡ଼ ହିଂସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ବା ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଲିଙ୍ଗଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧର ବିଚାର କରାଯିବ। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅପରାଧ ରୋକିବା ଆଇନର ପରିଭାଷା ବଦଳିବ, ଏବଂ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅପରାଧ ରୋକିବା ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ, ଏବଂ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ କଥା ଆସୁଛି, ଏବେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ ଭାବରେ ତାକୁ ମରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମେ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲେଣି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇପାରିବ? ସେ ତ ମାନସ ମହାପାତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ଯେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ଯେଉଁଟାକି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକାଲି ଜେନେରେଟେଡ୍ ଯେଉଁଟା ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ା, ସେଗୁଡ଼ା ଆଇନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେଉଁଟାକି କହିଲେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ ହିସାବରେ ନିଆହେଉଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ ହିସାବରେ ନିଆହେବ। ତାକୁ କରବୋରେଟ୍ କରା ଭଳିଆ ତାକୁ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡିଂ ହେବ, ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ହେବ, ତାର ସବୁ କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ତାହାର ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କହିଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ, ଯେଉଁଟାକି ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଥିରେ ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ କରିବେ ଯେ କିପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାକୁ ମାନେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିକି ତାକୁ ଆଣିକି କୋର୍ଟ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଫେନ୍ସ ଏଗେନ୍ସ ଦି ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ଦିସ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ଅଫେନ୍ସ ଏଗେନ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଗୋଟାଏ ଥିଲା 224A, ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପୁରା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଟା ତା ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲା କି ଆହୁରି ଅଧିକା ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ଥିଲା 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍। ତେଣୁକରି ଗୁଡ଼ାଏ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ଏହାର ତର୍ଜମା ଦରକାର, ଏହା କେତେଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ଦେର୍ ଆର୍ ମେନି ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫେନ୍ସ, ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଆକ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ହେଲା, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେହି କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦେର୍ ଆର୍ ଭେରିଅସ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍, ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍ ବି ସେହି CRPC ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆଇନରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ସେ ଆଇନରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବେ ତେଣୁ ନୂଆ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା ଅଛି CRPCର ତା ଦେହରେ କେମିତି ଢାଞ୍ଚ ଖାଇବ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ଏଇଟା ଅତିଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମିନିମମ୍ ମୋ ଭାଷାରେ ଯାହା ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଯାକ ହେଇକରି ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିକି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ।
କାହିଁକି ନା କିଛି ଆଇନ ଯୋଉଟାକି ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ପେନାଲ କୋଡ଼ରେ ଏବଂ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ 30-40% ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାହୋଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଅଣା ହୋଇଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଆଡ୍ କରାହୋଇଛି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଜଣେ ଯଦି କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବ ସେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରି ଯଦି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଜଣେ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ସେଠି ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଲୋକଟାକୁ ପୁଣି ତାକୁ ଆପଣ ମାରୁଛନ୍ତି କି ତାକୁ ଆହତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ବି ଆସିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଆସିଲା ତେଣୁ ଏସବୁର ଏଭିଡେନ୍ସ କିପରି ନିଆଯିବ ଏସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏ ପର୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଆନାଦର ପର୍ସନ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ଜଣେଇବ ତାର ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା କିପରି ଭଲ ହେବ ତେଣୁ ଦେର୍ ଆର୍ ମେନି ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରିକାସିଜ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ନ୍ୟୁ ଲ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ରିଥଟ୍ ଏବଂ ରିଏକ୍ଜାମିନ୍ ଏବଂ ସବୁ ହେଇସାରିକିରି ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଡିସ୍କସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଡିସ୍କସନ୍ ପରେ ସାରାଂଶ ବାହାରିଲେ ଯାଇକି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ ଏକଦମ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆର ଗୋଟେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ସୁପ୍ତ ପାଣି ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ଏଥିପାଇଁ ବେଶ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଚାଲୁଛି ଏବେ ବି ଆମ ଦେଶରେ ଚାଲୁଛି 1861 ପୋଲିସ ଆଇନ ପୋଲିସକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ତ ପାଣି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡର ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆସିବା ଆମ ଦେଶରେ ପୋଲିସ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଫଳରେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ପାଖରେ ଦାୟୀ ରହୁଛି ସିନା କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପୋଲିସ କୁହାଯାଉଥିବା ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ସମୟ ଦେଉଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବେ କି ନୂଆ ଆଇନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ ଯେଉଁଟା ମାନସ ବାବୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଆଇନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ତାର ତର୍ଜମା ପରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ସେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ବିଲ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେବ ତାପରେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଡେରାଲ ପେନାଲ କୋଡ୍ ଆମେରିକାର ତାର 123 ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି ଆମର ବେୟାର ଆକ୍ଟ ମୋତେ 50-51 ବେଶୀ ଅଛି ବେୟାର ଆକ୍ଟ ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆକ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ଆକ୍ଟ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ରେଲୱେ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଦୁନିଆ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ୟା ଦେହରେ ମର୍ଜର କରିଦେବା କଥା ମାନେ 150-200 ଚାପ୍ଟର ହଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ପେନାଲ କୋଡ୍ଟା 200 ଚାପ୍ଟର ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଏକଦମ କମ୍ ଅଛି ସୁପ୍ତ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ତାପରେ ସୁଚିସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ବଦଳିବ ତ ଆଇନ ଆର ପ୍ରଭାବ କଣ ରହିପାରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଆଉ ଜୁଡିସିଆରୀର ରିଫର୍ମ ନ ହେଇଛି ଲୋକ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଜୁଡିସିଆରୀ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ 3 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ବର୍ଷକ ଭିତରେ 3 ବର୍ଷ ତ ନୁହଁ 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ କେସ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଶେଷ ନ କରୁଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଆଇନରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜୁଡିସିଆରୀର ନିହାତି ରିଫର୍ମେସନ ଦରକାର ଆଉ ଜୁଡିସିଆରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ଦରକାର କେତେ ଦୂର ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ନ୍ୟାୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିପାରିବେ ଆପଣ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ନୂଆ ଆଇନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶ କେତେ ଦୂର ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ସଶକ୍ତ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ମିଛ ପରିଚୟ ଦେଇକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଆଯାଉଛି ଇଗ୍ନୋର କରାଯାଉଛି ଯଦି ସେ ଏ ଯଦି ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଗଲା 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିବ ତ ଏସବୁ ହେବା ଉଚିତ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବିଗତ କିଛି ଦିନର କଥା ଦେଖିବେ ଅନେକ କେସ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଛ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା କହିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଉଛି ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଉଛି ଏ ଆଇନ ନୂଆ ଆଇନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ 6 ମାସର ଯେଉଁଠି ସଜା ହେବା କଥା 6 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଜଲ୍ଦି ମିଳିପାରୁନି ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ତ ହୁଏତ ଜଲ୍ଦି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବନି ଏଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ତା ସହିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ସୁକ୍ତ ମାନସ ମହାପାତ୍ର ସୁକ୍ତ ହରିହରପାଣି ଏବଂ ସୁଚିସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ